पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज्य करते थे। उस समय एक गिद्ध अपने वृद्ध माता पिता को गुफा में रखकर कहीं से गोमांस आदि लाकर खिलाता था। उस समय एक निषाद ने श्मशान में सभी जगह गिद्ध को फंसाने के लिए जाल लगा दिया। एक दिन वह गिद्ध मांस खोजते खोजते श्मशान में पहुंचा और उसका पांव जाल में फंस गया। अब उसे बहुत चिंता होने लग गई, अब मेरे वृद्ध माता पिता कैसे जिएंगे, उन्हें मेरे फंसने का भी पता नहीं होगा, वे गुफा में भूख से सूख कर मर जाएंगे, यह सोचकर बहुत रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर चिरिमार का पुत्र बोला कि हे गिद्ध, किसके लिए विलाप करता है, किसके लिए रोता है, मैंने इसके पहले कभी भी गिद्ध को मनुष्य की भाषा में बोलते न देखा न सुना। गिद्ध ने कहा कि पर्वत के दरार में रहकर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं आपके वश में हो गया हूँ, अब वे दोनों कैसे क्या करेंगे, यही सोचकर मैं रोता हूँ। चिरिमार बोला कि गिद्ध 100 योजन ऊपर से मुर्दा को देखता है और नज़दीक के जाल को क्यों नहीं देख सका। गिद्ध बोला कि जब मनुष्य का जीवन छीन होता है तब वह समीप होने पर भी जाल और बंधन को नहीं देखता है। चिरिमार बोला कि अब मैं तुम्हें पर्वत में रहने वाले वृद्ध माता पिता की सेवा करने के लिए बंधन मुक्त कर देता हूँ। गिद्ध बोला कि हे चिरिमार, अब तुम सब रिश्तेदारों के साथ आनंद कर और मैं भी पर्वत की दरार में रहने वाले माता पिता की सेवा करूँगा। इतना कह भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, उस समय चिरिमार छन्न था, माता पिता कुल थे और गिद्धराज तो मैं ही था।